हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द क्लास ऑफ इकोनॉमिक्स। फ्रेंड्स, आज हम इकोनॉमिक्स के फोर्थ चैप्टर को पढ़ेंगे जिसका नाम है ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी। तो चलिए देखते हैं आज इस वीडियो लेक्चर में हम क्या क्या पढ़ेंगे। दोस्तों, सबसे पहले हम इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन को पढ़ेंगे, उसके बाद हम प्रोडक्शन एंड फॉरेन ट्रेड के बारे में जानेंगे, उसके बाद हम इंटरलिंकिंग प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्रीज पढ़ेंगे, उसके बाद हम फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द लोकेशन ऑफ प्रोडक्शन यूनिट टॉपिक को कवर करेंगे। फ्रेंड्स, इसके बाद हम फॉरेन ट्रेड के बारे में जानेंगे और इस वीडियो के एंड में हम ग्लोबलाइजेशन टॉपिक को पढ़ेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी करते हुए शुरुआत करते हैं अपने आज के इस वीडियो लेक्चर की। फ्रेंड्स, आज हमारे पास हर गुड्स और सर्विसेज की वाइड रेंज अवेलेबल है। फ्रेंड्स, वर्ल्ड के टॉप मैन्युफैक्चरर से आज हम मोबाइल फोन्स, टेलीविजन्स और कैमरास के बेस्ट मॉडल खरीद सकते हैं। फ्रेंड्स, आजकल वर्ल्ड की टॉप कार कंपनीज के मॉडल्स आज हम रोड पर देख सकते हैं। फ्रेंड्स, अब वो टाइम चला गया है जब रोड पर सिर्फ मारुति 800 और एम्बेसडर्स दिखाई देती थी। फ्रेंड्स, आजकल हर फील्ड में लाइक गैजेट्स में या इलेक्ट्रॉनिक्स में, फूड आइटम्स में और क्लोथिंग में हर जगह आज वाइड वैरायटी अवेलेबल है। फ्रेंड्स, क्या आपको पता है ये जितने भी चेंजेस हैं वो थोड़े ही टाइम के अंदर आए हैं। तो फ्रेंड्स, ये सारे रैपिड चेंज कैसे आए, क्या फैक्टर्स थे जिनसे ये सब पॉसिबल हो पाया और इन चेंजेस की वजह से हमारा लाइफस्टाइल कैसे चेंज हुआ है। फ्रेंड्स, इन सब क्वेश्चन के आंसर्स आज हम इस वीडियो लेक्चर में जानेंगे। चलिए फ्रेंड्स, इन सवालों के जवाबों को जानने की जर्नी में आगे बढ़ते हैं और प्रोडक्शन एंड फॉरेन ट्रेड टॉपिक को पढ़ते हैं। फ्रेंड्स, मिडल 20th सेंचुरी तक कोई भी कंपनी अपने गुड्स और सर्विसेज को अपनी ही कंट्री में प्रोड्यूस करती थी। फ्रेंड्स, अगर कुछ इंपोर्ट या एक्सपोर्ट होता भी था तो वो था रॉ मटेरियल्स, फूड आइटम्स और फिनिश्ड गुड्स। फ्रेंड्स, ये सब जब तक हुआ जब तक MNC यानी कि मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस नहीं आई थी। फ्रेंड्स, चलिए जानते हैं मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन क्या होता है। फ्रेंड्स, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन एक कंपनी होती है दैट ओन्स और कंट्रोल प्रोडक्शन इन मोर देन वन नेशन, यानी कि वो कंपनी जो एक से ज्यादा कंट्रीज में अपने गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करती है। फ्रेंड्स, क्या आप बता सकते हैं एक कंपनी को अपना प्रोडक्शन एक्सपेंड करने से क्या क्या फायदे होते हैं? चलिए फ्रेंड्स, मैं आपको इस क्वेश्चन का आंसर बताती हूँ। फ्रेंड्स, किसी भी कंपनी के प्रोडक्शन को एक्सपेंड करने से उसकी मार्केट इंक्रीज होती है, जिससे उनकी सेल्स राइज होती है और उनका प्रॉफिट भी इंक्रीज होता है। फ्रेंड्स, एक मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन अपनी प्रोडक्शन यूनिट वहां पर सेटअप करती है जहां पर स्किल्ड और अनस्किल्ड लेबर चीप प्राइसेस पर अवेलेबल हो, जहां से मार्केट बहुत पास हो, जिससे कि उनकी गुड्स की ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम हो जाए और जहां पर रिसोर्सेज बहुत इजीली अवेलेबल हो, जैसे कि वाटर और इलेक्ट्रिसिटी। चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इन्वेस्टमेंट किसे कहते हैं। फ्रेंड्स, जो पैसा मशीन, बिल्डिंग और लैंड खरीदने में लगाया जाता है उसे हम इन्वेस्टमेंट कहते हैं। और फ्रेंड्स, जब ये इन्वेस्टमेंट कोई मल्टीनेशनल कंपनी फॉरेन कंट्रीज में करती है तो इसे फॉरेन इन्वेस्टमेंट कहा जाता है। फ्रेंड्स, कभी कभार तो ये जो मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस है वो किसी फॉरेन कंट्री की लोकल कंपनी के साथ मिलकर अपनी प्रोडक्शन यूनिट सेटअप करते हैं। फ्रेंड्स, क्या आपको पता है वो ऐसा क्यों करते हैं? चलिए फ्रेंड्स, मैं बताती हूँ वो ऐसा क्यों करते हैं।
फ्रेंड्स अपने कंपटीशन को खत्म करने के लिए वो ऐसा करते हैं, और इससे वो जो लोकल कंपनी है उसको ये बेनिफिट होते हैं कि उनके पास न्यू मशीन्स आती है और इससे वो अपने प्रोडक्शन प्रोसेस को फास्ट कर पाती है। यानी कि फर्स्ट बेनिफिट ये होता है कि न्यू प्रोडक्शन मेथड उन लोकल कंपनीज के पास आ जाते हैं, और दूसरा फायदा ये होता है कि उनके पास नई टेक्नोलॉजी आ जाती है जिससे वो अपनी कंपनी को डेवलप कर पाते हैं। फ्रेंड्स मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन एक और तरीके से अपने प्रोडक्शन को कंट्रोल कर सकते हैं, वो है कि किसी एरिया के लोकल प्रोड्यूसर से अपने लिए गुड्स प्रोड्यूस कराना और फिर उसे अपने ब्रांड नेम से बेचना। फ्रेंड्स ऐसा करने से जो मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन है उनका प्रोडक्शन यूनिट सेट करने का पैसा और टाइम सेव हो जाता है। फ्रेंड्स और इससे जो अलग अलग एरियाज में प्रोडक्शन यूनिट्स है वो आपस में इंटीग्रेट होना शुरू हो जाती है। चलिए फ्रेंड्स अब जानते हैं कि फॉरेन ट्रेड का क्या फायदा है। फ्रेंड्स इसका पहला फायदा ये है कि जो प्रोड्यूसर्स है वो अपनी कंट्री के साथ साथ फॉरेन कंट्रीज में भी अपने गुड्स सेल कर पाते हैं, उनकी मार्केट और उनके प्रॉफिट इंक्रीज हो जाते हैं। इसके साथ साथ जो लोकल बायर्स होते हैं उनके पास वाइड वैरायटी ऑफ गुड्स अवेलेबल हो जाते हैं। तो ओवरऑल फॉरेन ट्रेड की वजह से अलग अलग कंट्रीज की मार्केट इंटीग्रेट होना शुरू हो जाती है। फ्रेंड्स ये सब होते हैं फॉरेन ट्रेड के बेनिफिट्स। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं ग्लोबलाइजेशन के बारे में। फ्रेंड्स पिछले 20 से 30 सालों में ज्यादा से ज्यादा मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन अपने प्रोडक्शन यूनिट को एक्सपेंड करने के लिए फॉरेन लोकेशन ढूंढ रही है, यानी कि उनका प्रोडक्शन फॉरेन लोकेशन में एक्सपेंड हो रहा है। फ्रेंड्स डे बाय डे फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हो रही है जिससे फॉरेन ट्रेड भी इंक्रीज हो रहा है। इस सब की वजह से वर्ल्ड की अलग अलग प्रोडक्शन यूनिट्स और मार्केट आपस में इंटरकनेक्ट हो रही है, यानी कि मार्केट्स का इंटीग्रेशन हो रहा है। फ्रेंड्स इसी को हम ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। ग्लोबलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ रैपिड इंटीग्रेशन बिटवीन कंट्रीज। चलिए फ्रेंड्स अब उन फैक्टर्स को जानते हैं जिनकी वजह से ग्लोबलाइजेशन पॉसिबल हो पाया है। फ्रेंड्स दो मेन फैक्टर्स है जिनकी वजह से ग्लोबलाइजेशन पॉसिबल हो पाया है। पहला फैक्टर है इम्प्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी। फ्रेंड्स टेक्नोलॉजी का ग्लोबलाइजेशन में बहुत ही बड़ा रोल है। फ्रेंड्स ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी में इम्प्रूवमेंट की वजह से आज गुड्स फास्टली डिलीवर हो पाते हैं। फ्रेंड्स इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में इम्प्रूवमेंट होने की वजह से आज एक कंपनी दूसरी कंपनी से इजीली कांटेक्ट कर पाती है, चाहे वो वर्ल्ड में कहीं भी सिचुएटेड हो। फ्रेंड्स अब जानते हैं कि सेकेंड फैक्टर क्या है जिसने ग्लोबलाइजेशन को पॉसिबल किया। फ्रेंड्स वो सेकेंड फैक्टर है लिबरलाइजेशन। फ्रेंड्स क्या आप सभी जानते हैं कि आज इंडियन मार्केट में चाइनीज टॉयज की क्वांटिटी बहुत ज्यादा है। फ्रेंड्स सपोज कीजिए कि इन चाइनीज टॉयज के इंपोर्ट पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंपोर्ट टैक्स लगा दे तो उससे क्या होगा। फ्रेंड्स इससे ये होगा कि जो चाइनीज प्रोड्यूसर्स हैं उन्हें इन गुड्स को इंडिया में सेल करने के लिए इंपोर्ट टैक्स पे करना पड़ेगा, जिसकी वजह से हमारे लिए यानी इंडियंस के लिए चाइनीज टॉयज महंगे हो जाएंगे और हम इंडिया में बने हुए टॉयज को कंज्यूम करना शुरू कर देंगे। फ्रेंड्स इंपोर्ट पर टैक्स लगाने को हम ट्रेड बैरियर कहते हैं। फ्रेंड्स ट्रेड बैरियर का मतलब होता है प्रिवेंटिंग अ फॉरेन प्रोडक्ट और सर्विस फ्रॉम फ्रीली एंटरिंग अ नेशंस टेरिटरी।
फ्रेंड्स, अलग अलग कंट्री की गवर्नमेंट इसे यूज कर सकती है अपनी कंट्री में फॉरेन ट्रेड को इंक्रीज या डिक्रीज करने के लिए। चलिए फ्रेंड्स, अब इंडिया में ट्रेड बैरियर्स के बारे में जानते हैं। फ्रेंड्स, 1947 में इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था। फ्रेंड्स, उस टाइम पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फॉरेन ट्रेड पर बैरियर्स लगा दिए थे। ऐसा उन्होंने इसलिए किया क्योंकि उस टाइम पर इंडियन प्रोड्यूसर्स इतने डेवलप नहीं थे, वो उस टाइम पर फॉरेन कंपटीशन को फेस करने के लायक नहीं थे। फिर 1991 में जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने देखा कि इंडियन प्रोड्यूसर्स अब फॉरेन कंट्रीज के साथ कम्पीट कर सकते हैं, तब उन्होंने ट्रेड बैरियर्स को अपलिफ्ट कर दिया और यहीं से ग्लोबलाइजेशन का प्रोसेस इंडिया में शुरू हुआ। फ्रेंड्स, ये जो ट्रेड बैरियर्स को अपलिफ्ट करने का प्रोसेस है, इसी को हम लिबरलाइजेशन कहते हैं, जो कि सेकंड फैक्टर है जिसके वजह से ग्लोबलाइजेशन पॉसिबल हो पाया। चलिए फ्रेंड्स, अब जानते हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, जिसे हम शॉर्ट में WTO कहते हैं। फ्रेंड्स, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो फॉरेन ट्रेड को सपोर्ट करती है और लिबरलाइजेशन को प्रमोट करती है। फ्रेंड्स, आज तक अराउंड 153 कंट्रीज वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है। सो फ्रेंड्स, दिस वाज ऑल अबाउट दिस लेक्चर। चलिए जानते हैं इस विषय। फ्रेंड्स, इंडिया को लिबरलाइज हुए अराउंड 25 इयर्स हो चुके हैं, तो हम इंडिया पर ग्लोबलाइजेशन के इफेक्ट को इजीली समझ सकते हैं। फ्रेंड्स, इंडिया में ग्लोबलाइजेशन के वजह से जो कंज्यूमर्स हैं, उनके पास अलग अलग गुड्स की, यानी कि हर गुड्स की अलग अलग वैरायटीज है, जिनकी वजह से उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज हुआ है। फ्रेंड्स, अगर हम वर्कर्स या प्रोड्यूसर्स की बात करें, तो ग्लोबलाइजेशन के वजह से 5 मेजर चेंजेस आए। तो चलिए फ्रेंड्स, एक एक करके इन चेंजेस को जानते हैं। फ्रेंड्स, पहला चेंज है कि बहुत सारी मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन ने इंडिया में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया है, यानी कि इंडिया में फॉरेन इन्वेस्टमेंट बढ़ गया है। फ्रेंड्स, सेकंड इम्पैक्ट है कि इंडिया में अब नई टेक्नोलॉजी और न्यू प्रोडक्शन मेथड इंट्रोड्यूस हो रहे हैं और बहुत सारे प्रोड्यूसर्स के पास अब न्यू टेक्नोलॉजी और ये प्रोडक्शन मेथड अवेलेबल भी है। फ्रेंड्स, थर्ड पॉइंट है कि इंडिया में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा बढ़ रही है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट है कि जो स्मॉल प्रोड्यूसर्स थे, उन लोगों को बहुत ज्यादा लॉस भी हुआ है, क्योंकि वो फॉरेन कंपटीशन के साथ सरवाइव नहीं कर पाए हैं। चलिए फ्रेंड्स, लास्ट पॉइंट को जानते हैं। लास्ट पॉइंट है कि बहुत सारी इंडियन कंपनीज खुद ही मल्टीनेशनल कॉर्पोरेट्स बन गई हैं, जैसे कि टाटा मोटर्स, इन्फोसिस, एशियन पेंट्स, एयरटेल, लेंसकार्ट एंड मच मोर। फ्रेंड्स, ये सब इम्पैक्ट थे ग्लोबलाइजेशन के जो इंडिया पर पड़े। चलिए फ्रेंड्स, अब जानते हैं कि गवर्नमेंट कौन कौन से स्टेप ले सकती है जिससे ग्लोबलाइजेशन को फेयर बनाया जा सके। फ्रेंड्स, ग्लोबलाइजेशन को और फेयर बनाने के लिए गवर्नमेंट तीन चीजें कर सकती है। फर्स्ट है कि गवर्नमेंट ये इंश्योर कर सकती है कि जो लेबर लॉज है वो प्रॉपरली इम्प्लीमेंट हो, जिससे जो लेबर्स या वर्कर्स है उनको उनके सारे राइट्स दिए जाएं। सेकेंड स्टेप है कि जो स्मॉल प्रोड्यूसर्स है उनको गवर्नमेंट फाइनेंशियली सपोर्ट करे, जिससे कि वो अपने परफॉर्मेंस को बूस्ट कर सके और फॉरेन कंपटीशन में सरवाइव कर सके। और थर्ड पॉइंट है कि गवर्नमेंट वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से कुछ पॉलिसीज पर नेगोशिएट भी कर सकती है, जिससे कि इंपोर्ट पर कुछ टैक्स इम्पोज किया जा सके। फ्रेंड्स, यही था ग्लोबलाइजेशन, और यहीं पर आपका ग्लोबलाइजेशन एंड इंडियन इकोनॉमी चैप्टर खत्म होता है। चलिए फ्रेंड्स,
अब इस चैप्टर के कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं और देखते हैं कि आपने इस चैप्टर को पढ़कर कितना सीखा है। फ्रेंड्स, इन प्रैक्टिस क्वेश्चन के आंसर मैं कुछ पॉइंट्स में दूंगी, जिससे आपको हेल्प मिलेगी अपने आंसर को लिखने के लिए। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं अपने आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द वेरियस वे इन विच मल्टीनेशनल कंपनीज सेट अप और कंट्रोल प्रोडक्शन इन अदर कंट्रीज। चलिए फ्रेंड्स, अब इस क्वेश्चन के आंसर को जानते हैं कि कैसे एक मल्टीनेशनल कंपनी सेटअप करती है, कंट्रोल करती है किसी दूसरी कंट्री में। फ्रेंड्स, इसका पहला वे है, सेट अप प्रोडक्शन जॉइंटली विद सम ऑफ द लोकल कंपनीज। जॉइंट प्रोडक्शन प्रोवाइड्स मनी फॉर एडिशनल इन्वेस्टमेंट एंड लेटेस्ट टेक्नोलॉजी फॉर प्रोडक्शन। यानी कि एक मल्टीनेशनल कंपनी अपनी प्रोडक्शन यूनिट को किसी फॉरेन की लोकल कंपनी के साथ जॉइंट होकर सेटअप कर सकती है। फ्रेंड्स, ये जॉइंट प्रोडक्शन प्रोवाइड करता है मनी फॉर एडिशनल इन्वेस्टमेंट इन लेटेस्ट टेक्नोलॉजी फॉर प्रोडक्शन। नेक्स्ट पॉइंट है कि टू बाय अप लोकल कंपनीज एंड देन एक्सपेंड प्रोडक्शन। फ्रेंड्स, एक मल्टीनेशनल कंपनी अपना प्रोडक्शन यूनिट दूसरी लोकल कंपनी को बाय कर भी एक्सपेंड कर सकती है। नेक्स्ट पॉइंट है, प्लेस ऑर्डर्स फॉर प्रोडक्शन विद स्मॉल प्रोड्यूसर्स। यानी कि कोई भी मल्टीनेशनल कंपनी स्मॉल प्रोड्यूसर से अपने ऑर्डर को बनवा सकती है। और फोर्थ वे है कि बाय सेटिंग अप पार्टनरशिप विद लोकल कंपनीज बाय यूजिंग द लोकल कंपनीज फॉर सप्लाईज बाय क्लोजली कंपीटिंग विद द लोकल कंपनीज और बाइंग देम अप। एमएनसी आर एक्सर्टिंग अ स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस ऑन प्रोडक्शन एट दीस डिस्टेंट लोकेशन। एज अ रिजल्ट, प्रोडक्शन इन दीस वाइडली डिस्पर्स्ड लोकेशन इज गेटिंग इंटरलिंक्ड। यानी कि लोकल कंपनी के साथ पार्टनरशिप सेट करके, लोकल कंपनीज को सप्लाई के लिए यूज करके और लोकल कंपनीज के साथ कम्पीट करके कंपनीज और उन्हें खरीद कर एमएनसी जो है वो एक्सर्ट कर रही है स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस ऑन प्रोडक्शन एट डिस्टेंट लोकेशंस, जिसका रिजल्ट ये होता है कि प्रोडक्शन वाइडली डिस्पर्स्ड लोकेशन इज गेटिंग इंटरलिंक्ड। चलिए फ्रेंड्स, अब अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट आर ट्रेड बैरियर्स, व्हाई डज गवर्नमेंट यूजेस ट्रेड बैरियर्स। यानी कि ट्रेड बैरियर क्या होते हैं और गवर्नमेंट ट्रेड बैरियर्स को क्यों यूज करती है। चलिए फ्रेंड्स, जानते हैं इस क्वेश्चन के आंसर को। ट्रेड बैरियर्स आर वेरियस रेस्ट्रिक्शंस विच आर यूज्ड बाय द गवर्नमेंट टू इंक्रीज और डिक्रीज फॉरेन ट्रेड। यानी कि ट्रेड बैरियर्स कुछ रेस्ट्रिक्शंस होते हैं जो यूज किए जाते हैं गवर्नमेंट के द्वारा फॉरेन ट्रेड को इंक्रीज या डिक्रीज करने के लिए। चलिए फ्रेंड्स, अब जानते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रेड बैरियर्स। गवर्नमेंट यूजेस ट्रेड बैरियर्स टू इंक्रीज और डिक्रीज फॉरेन ट्रेड एंड टू डिसाइड व्हाट काइंड ऑफ गुड्स एंड हाउ मच ऑफ ईच शुड कम इनटू द कंट्री। फ्रेंड्स, जैसे कि हमने जाना कि गवर्नमेंट ट्रेड बैरियर्स का यूज करती है फॉरेन ट्रेड को इंक्रीज या डिक्रीज करने के लिए। इसके अलावा वो इनका यूज इसलिए करती है टू डिसाइड व्हाट काइंड ऑफ गुड्स और उनकी कितनी क्वांटिटी शुड कम इनटू द कंट्री। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन इन इंडिया। यानी कि ग्लोबलाइजेशन के क्या क्या इफेक्ट हुए इंडिया में। फ्रेंड्स, चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को जानते हैं। पहला इम्पैक्ट था ग्रेटर कॉम्पिटिशन अमंग प्रोड्यूसर्स। यानी कि प्रोड्यूसर्स के बीच में ग्रेटर कॉम्पिटिशन। बोथ लोकल एंड फॉरेन प्रोड्यूसर हैज बीन फॉर एडवांटेज टू कंज्यूमर्स। नेक्स्ट पॉइंट है, देयर इज ग्रेटर चॉइस बिफोर दिस कंज्यूमर्स
who now enjoy improved quality and lower prices for several products. यानी कि अब कंज्यूमर्स के पास ग्रेटर चॉइस है और ग्लोबलाइजेशन आने की वजह से कंज्यूमर्स को इम्प्रूव्ड क्वालिटी ऑफ गुड्स मिले और वो भी लोअर प्राइसेस पर. नेक्स्ट पॉइंट है फॉरेन इन्वेस्टमेंट हैज इंक्रीज्ड. फ्रेंड्स, ग्लोबलाइजेशन के वजह से फॉरेन इन्वेस्टमेंट किसी भी कंट्री में इंक्रीज हुई है. फ्रेंड्स, ग्लोबलाइजेशन का नेक्स्ट इम्पैक्ट है इंक्रीज्ड कॉम्पिटिशन हैज एनकरेज टॉप इंडियन कंपनीज टू इन्वेस्ट इन न्यूअर टेक्नोलॉजी एंड प्रोडक्शन मेथड एंड रेज देयर प्रोडक्शन स्टैंडर्ड्स. जो प्रोड्यूसर्स के लिए कॉम्पिटिशन इंक्रीज हुआ था, ये इंक्रीज्ड कॉम्पिटिशन टॉप इंडियन कंपनीज को इनकरेज करती है नई नई टेक्नोलॉजीज और नए नए प्रोडक्शन मेथड्स में इन्वेस्ट करने के लिए, जिससे वो अपने प्रोडक्शन को और अपने प्रोडक्शन स्टैंडर्ड को रेज कर सके. फ्रेंड्स, ग्लोबलाइजेशन का नेक्स्ट इम्पैक्ट है ग्लोबलाइजेशन हैज एनेबल्ड सम लार्ज इंडियन कंपनीज टू इमर्ज एज मल्टीनेशनल. फ्रेंड्स, ग्लोबलाइजेशन ने कुछ लार्ज इंडियन कंपनीज को मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन इमर्ज होने में हेल्प करी है. नेक्स्ट पॉइंट है क्रिएटेड न्यू अपॉर्चुनिटीज फॉर कंपनीज प्रोवाइडिंग सर्विसेज पर्टिकुलरली दोज इन्वॉल्विंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. ग्लोबलाइजेशन ने नई अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करी है उन कंपनीज के लिए जो पर्टिकुलरली इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं. चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं. व्हाट आर स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स? व्हाई इज द गवर्नमेंट सेटिंग अप स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स? यानी कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन किसे कहते हैं और गवर्नमेंट स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स को क्यों सेटअप कर रही है? चलिए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन के आंसर को जानते हैं. स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स. सेटिंग अप ऑफ इंडस्ट्रियल जोन्स बाय द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स टू अट्रैक्ट फॉरेन कंपनीज टू इन्वेस्ट इन इंडिया. फ्रेंड्स, स्पेशल इकोनॉमिक जोन ऐसे इंडस्ट्रियल जोन्स होते हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा फॉरेन कंपनीज की इन्वेस्टमेंट को इंडिया में अट्रैक्ट करने के लिए सेटअप किए जाते हैं. फ्रेंड्स, इन स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स में वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज होती है, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, रोड्स, ट्रांसपोर्टेशन, स्टोरेज, रिक्रिएशनल एंड एजुकेशनल फैसिलिटीज. चलिए फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट क्वेश्चन को जानते हैं. व्हाट इज फॉरेन ट्रेड? हाउ डज फॉरेन ट्रेड लीड टू इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट्स अक्रॉस कंट्रीज? यानी कि फॉरेन ट्रेड क्या है और फॉरेन ट्रेड कैसे लीड करता है इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट्स अक्रॉस कंट्रीज. चलिए फ्रेंड्स, जानते हैं इस क्वेश्चन के आंसर को. फॉरेन ट्रेड एंड इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट्स एक्सचेंज ऑफ गुड्स परचेज एंड सेल अक्रॉस जियोग्राफिकल बाउंड्रीज ऑफ द कंट्रीज. गुड्स ट्रेवल फ्रॉम वन मार्केट टू अनदर. Choice of goods in the market rises. Prices of similar good in the two markets tend to become equal. Producers in the two countries closely compete against each other. Even though they are separated by thousands of miles, thus foreign trade result in connecting the markets or integration of markets in different countries. फ्रेंड्स, ये था आज का हमारा वीडियो लेक्चर, जिसमें हमने इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन इन इंडिया टॉपिक को कवर किया. उसके बाद हमने द स्ट्रगल फॉर फेयर ग्लोबलाइजेशन टॉपिक के बारे में पढ़ा और एंड में हमने इस चैप्टर के बहुत से प्रैक्टिस क्वेश्चन को प्रैक्टिस किया. फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो लेक्चर समझ आया होगा. इस वीडियो लेक्चर को और अच्छे से पढ़ने और समझने के लिए अपनी एनसीईआरटी की बुक से इस चैप्टर को जरूर पढ़ें.
फ्रेंड्स, इस चैप्टर के ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को जरूर प्रैक्टिस करें, जिससे कि आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो जाए। फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर को कवर करेंगे। अगली वीडियो तक के लिए बाय बाय।